हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हम लोगों का ऑनगोइंग इलेक्शन 2019। गाइस, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक अब बन चुका है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना और इस पर हम लोगों को सोचना और चिंतित होना हमारे लिए अति आवश्यक हो चुका है। ये एक गंभीर कारण बन चुका है जो हम लोगों के आने वाले 5 सालों को पूरे तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो इस पर एक बहुत ही चिंता का विषय बनाना हम लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। अब समय बदल चुका है। अभी का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि लोग सेक्युलर इंडिया के जगह हैशटैग सेक्युलर इंडिया यूज कर रहे हैं। लोगों को नेशनलिज्म के जगह लोग यहाँ पे हैशटैग हिंदू मुस्लिम्स, हैशटैग क्रिश्चियनिटी यूज कर रहे हैं। वेलफेयरनेस की जगह लोग यहाँ पे AITC, CPM, CPI, BJP, INC वगैरह यूज कर रहे हैं। गाइज, आज का सिचुएशन ऐसा है कि लोगों को अपने डेवलपमेंट से ज़्यादा दूसरों की बर्बादी पसंद है। लोगों को यहाँ अपने डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना डेवलपमेंट नहीं चाहिए, पर वो चाहते हैं कि जो ऑपोजिट सेक्शन है, जो ऑपोजिट श्रेणी के लोग हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, या तो वो कन्वर्ट हो जाए। अब कोई मेरे को बताए कि क्या वो रह लेंगे उसके बिना जिसके साथ वो इतने सालों से, जब से वो बॉर्न हुए हैं तब से वो रहते आ रहे हैं। क्या आप रह लेंगे उन हिंदू भाइयों के बिना जिनके साथ आप बच्चों से रहते हुए आ रहे हैं? क्या आप रह लेंगे उन क्रिश्चियंस के बिना जिनके साथ आप छोटे से रहते हुए आ रहे हैं? क्या आप रह लेंगे उन मुस्लिम्स के बिना जिनके साथ आप बहुत इनिशियल वक्त से आप रहते हुए आ रहे हैं? गाइज, इंग्लिश में एक वर्ड है, इंटरडिपेंडेंस, राइट? इसका मतलब किसी पर डिपेंड होना या किसी को खुद पर डिपेंड करवाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है साथ साथ मिलजुल कर एक दूसरे पर डिपेंड करना, डेट इज कोऑपरेशन, राइट? कुछ ऐसा ही है हमारा सेक्युलर इंडिया, इसे सेक्युलर ही रहने दिया जाए। और एक चीज़ हम लोग भारतवासी बहुत शान से बोला करते हैं, मेरा भारत महान, राइट? नाउ क्या आपको पता है कि ये भारत महान क्यों है? ये भारत महान इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी देखा जाता है। हम लोग यहाँ पे इतने डाइवर्स नेचर, इतने डाइवर्स कम्युनिटी से बिलोंग करने के बाद भी यूनाइटेड हैं, एक हैं हम लोग। पर अब क्या हो रहा है? अब हमारे सेक्युलरिज्म को ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है? हम लोग बच्चे से बुक्स में एक चीज पढ़ते आ रहे हैं अपने प्रियम्बल में, दैट इंडिया इज अ सेक्युलर सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट? नाउ अब इस वर्ड सेक्युलरिज्म को पॉइंट करके इसे हटाया क्यों जा रहा है? उस 42nd अमेंडमेंट को ठेस क्यों पहुंचाया जा रहा है जो किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी स्ट्रांग पॉइंट और ओपिनियन से हुआ था? मैं आपको एक रिसेंट एक्टिविटी के बारे में बताना चाहूंगा जो कि केरला में हुआ है। वहां पर देखा गया है कुछ केरलियन पीपल्स कार में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा लिए हुए, फ्लैग्स लिए हुए घूम रहे हैं। नाउ उनको देखकर क्या हम लोगों को ये नहीं सीखना चाहिए, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी? पर हम क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी, सेक्युलर इंडिया। ओके, नाउ कम टू आवर मेन पॉइंट, होम टू इलेक्ट इन दिस पॉलिटिकल इलेक्शन एंड होम नॉट, राइट? सो गाइस, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको ऐसा कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करो और इसको नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे बोलने पे अगर आप ऐसा करते हो तो वो इलेक्शन जो होगा वो मेरे आइडियाज़ पे हो जाएगा, वो मेरे बिलीव्स और मेरे थॉट्स पे हो जाएगा। एंड इंडिया इज ट्रूली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने एवरी इंडिविजुअल पीपल्स को वो राइट प्रोवाइड किया है कि वो अपना पॉलिटिकल लीडर अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ एंड अपने बिलीव से चूज़ करे। तो ये आपका राइट है, इसे आप एक्सरसाइज करो अपने हिसाब से। इसे एक्सरसाइज करने का सबसे ब्रिलियंट तरीका ये होगा कि आप उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोस को आप रीड करना स्टार्ट करो। मैनिफेस्टो में होता ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन से पहले कुछ सेट्स ऑफ प्रॉमिस करते हैं एक बुकलेट में, ठीक है? जो ऑफकोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको डाउनलोड करके उसे रीड करना है। उसे रीड करने के बाद आपको बहुत सारे आपको प्रॉमिसेस और दावे मिलेंगे जो वो आने वाले 5 सालों में करने वाले हैं, राइट? तो आपको करना क्या है, उन सारे मैनिफेस्टोस को आपको रीड करना है, देन आफ्टर आपको उसको एनालाइज करना है। उसे एनालाइज करने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन मैनिफेस्टोस में आपको ऐसे बहुत कुछ मिलेंगे जो वो करेंगे, ठीक है?
पर उसके साथ साथ आपको वहां ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो शायद के करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और वो बस एक स्टेटमेंट बन के ही रह जाएगा पोस्ट 5 ईयर्स. तो आपको इन सब बातों का आपको ध्यान देना है कि किन मैनिफेस्टोज में एकदम जो किया जा सकता है वैसा बात किया हुआ है, और किन मैनिफेस्टोज में बस मतलब जो एक स्टेटमेंट बनकर रह जाएगा ऐसा बात किया हुआ है. सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दिस थिंग्स यू आर गुड टू गो. उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉलिटिकल लीडर को आप चूज कर सकते हो, ना कि हिंदू मुस्लिम के बिलीव्स पे. आप एक एडुकेटेड सेक्टर ऑफ सोसाइटी के से मतलब बिलोंग करते हो, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक एडुकेटेड पीपल्स करते हैं. एंड एंड में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसे सेक्युलर ही रहने दिया जाए. इट्स माई रिक्वेस्ट. एंड बाय द वे, मुझे इस वीडियो में कोई भी लाइक, कोई भी हार्ट्स या कोई भी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए. मैं बस चाहता हूँ कि आप अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को नीचे कमेंट्स करें. अगर मेरे वीडियो में कुछ भी कमी अगर रह गई है तो उसे आप पूरा करें. एंड लास्टली, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से आप अपने आसपास भी इस अवेयरनेस को फैला सकते हैं कि कैसे हम लोग एक सही पॉलिटिकल लीडर को चूज़ कर सकते हैं. क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि नॉर्मली इंसान अपने कस्टम्स पे जी रहा है. इंसान को लग रहा है कि हाँ, मेरे बाप दादा इसको वोट दिए हुए आ रहे हैं तो मुझे भी यही करना है. पर नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जो समय पहले था वो समय आज नहीं है. समय बदल चुका है, तो हमें भी बदलना होगा. एंड इस वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.